से पूछना चाहता हूँ, जो आपके हक में बोले तो वो देशभक्त हो जाता है और जो न्याय मांगे वो देशद्रोही हो जाता है। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने देश के लिए क्या किया है? जो आप बोल रहे कि हम देशभक्त हैं, हमारे से बड़ा देशभक्त है कि वे देश के लिए, हम झंडे के लिए हम जी जान लगाते हैं। सोशल मीडिया पे भोंकने से ये नहीं होता कि वो देशभक्त हो गए। दुख इस बात का, हमारे देश में एक अमीर लोगों के लिए अलग कानून है और गरीब लोगों के लिए अलग कानून है। जो लोग बोल रहे राजनीति कर रहे हैं, आप आ जाइए हमें न्याय दिला दीजिए, हम उठे चले जाएंगे, हम तो आपका नाम ले देंगे भाई, उस आदमी ने हमें न्याय दिला दिया। दुख होता है एक देश का मेडल लाने वाले को आज जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है, वो भी इतनी गर्मी में धरने के रूप में। उससे हम खिलाड़ियों को यही सिखाया गया है कि भाई हार भी होगी जीत भी होगी, पर उसमें ये नहीं कि आप उसको छोड़ के भाग जाइए। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक न्याय नहीं मिले। पहलवानों के धरने का आज 20वां दिन है और 20वें दिन ब्लैक डे के रूप में जो है काली पट्टी बांधकर मनाया जा रहा है। हमारे साथ जो पहलवान धरने पर बैठे हैं बजरंग पुनिया, वो मौजूद हैं। बजरंग जी, आपसे बात करें, जिस तरीके से आपका धरना चल रहा है, 20वां दिन है, इतना बड़ा धरना 20वें दिन भी लगातार जारी है। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, देश का दुर्भाग्य है, 20 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और जब मेडल जीत के आते हैं तो पूरा देश, जो आज सुन नहीं रहे, पूरा देश और चाहे कोई भी मंत्री है, सब फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालते हैं, फोटो डालते हैं कि हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है, हमारे देश की बेटियां हैं, बेटे हैं। लेकिन आज जब अपने न्याय के लिए आए हैं तो बोले हरियाणा से हैं, एक कम्युनिटी से हैं, तो वो हर राजनीति जो ब्रजभूषण की तरफ से हर गंदी राजनीति खेली जा रही है, वो हर जात पात में बाँट रहे हैं, यूपी हरियाणा कर रहे हैं, वो एक परिवार कर रहे हैं। तो वो मतलब बोलते हैं ना कि परिवार, तो सब सबको पता ही लग गया क्योंकि 19-20 दिन से न्यूज़ में चल रहा है कि परिवार किसका है, वो कौन कब्जा करना चाह रहा है, बेटा, दामाद, बेटे का साला, उसके रिश्तेदार, हर जगह अपने लोग बिठा रखे और बोल रहे हैं कि ये कुश्ती पे कब्जा करना चाह रहे हैं। क्या ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि एक ही राज्य के जो और एक ही कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर? देखिए, उसकी तरफ से हर वो राजनीति की जा रही है, गंदी राजनीति जो इसको बोलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग इसको जाति धर्म का रूप दे रहे हैं, जिन्होंने 7 खिलाड़ियों ने, जो बेटियों ने जो कंप्लेंट दी है, बहनों ने जो कंप्लेंट दी है, आपको पता है वो सारी की कम्युनिटी से है? वो तो किसी ने नहीं बता रखा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, इनका नाम उजागर नहीं कर सकते कोई भी, तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि भाई एक कम्युनिटी से? हमें भी खुद नहीं पता कि भाई हम किस किस लड़की ने दिए हैं, उनके किस किस धर्म से या किस किस जाति से हैं। और दूसरी बात, जब खिलाड़ी खेलता तो वो किसी जाति का झंडा लेके नहीं खेलता, वो देश के झंडे के नीचे खेलता है। तो ये इनकी घटिया राजनीति है जो ये बोल रहे हैं। और मैं जो IT सेल के उनके लोग भोंक रहे हैं, जो बता रहे हैं कि देशद्रोही है, ये है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके हक में बोले तो वो देशभक्त हो जाता है और जो न्याय मांगे वो देशद्रोही हो जाता है। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने देश के लिए क्या किया है? जो आप बोल रहे कि हम देशभक्त हैं, हमारे से बड़ा देशभक्त है कि वे देश के लिए, हम झंडे के लिए हम जी जान लगाते हैं। एक सोशल मीडिया पर भोंकने से ये नहीं होता कि वो देशभक्त हो गए। तो अब क्या चल रहा है, अब किस तरीके की परेशानी जो है आप लोगों को हो रही है, किस तरीके की दिक्कतें आपको आ रही हैं? परेशानी हमें कोई भी नहीं है, पर दुख इस बात का, हमारे देश में एक अमीर लोगों के लिए अलग कानून है और गरीब लोगों के लिए अलग कानून है। मुझे लगता है अगर वो अगर हमारे जैसा नॉर्मल, आप जैसा है, मेरे जैसा होता, तो उसको अब तक पता नहीं क्या क्या सजा सुनाई जाती है, क्योंकि दो FIR हो गई हैं, कार्रवाई अभी तक क्या दिल्ली पुलिस से भी कोई बातचीत आपकी हुई है? देखिए, दिल्ली पुलिस में भी हमारे जैसे ही भाई हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी ऊपर से दबाव है, पर जो लोग उनको बचा रहे हैं, ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, दुखद है, क्योंकि आज मैं जो उनको बचा रहे, अगर उनकी बेटियां होती तो वैसे ही बचाते, उनकी बहनें होती तो वैसे ही बचाते। तो हम पुलिस को दोष नहीं दे सकते, पुलिस तभी काम करेगी जब पुलिस को आप अलाउ करेंगे, वो आप सरकार के एम्प्लॉई हैं अपने ऊपर से, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी हमारे ही भाई हैं, उनको भी तो बहन है, उनकी भी तो बेटियां हैं, तो पुलिस तो करेगी कार्रवाई, और कानून से बड़ा तो हमारे देश में कोई भी नहीं है, जरूर कार्रवाई होगी। 20 दिन हो गए, 20 दिन से लगातार आप लोग बैठे हैं, बरसात भी हुई है, दिक्कत भी हो रही है, प्रैक्टिस भी छूट रही है। देखिए, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और खेल ने हमें यही सिखाया है,
जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा, पर उससे भागते नहीं। जब बुरे दिन आता है, अच्छे दिन आते हैं, तो वो उसके बाद चले भी जाते हैं। कभी उतार चढ़ाव जिंदगी में यही चलता रहता है। तो उससे हम खिलाड़ियों को यही सिखाया गया है कि भाई हार भी होगी जीत भी होगी, पर उसमें ये नहीं कि आप उसको छोड़ के भाग जाइए। प्रैक्टिस में दिक्कतें हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है, प्रैक्टिस में दिक्कत हो रही है। टेम्परेचर आप देख लीजिए, या लेट रहे हैं खाने पीने के, जो ट्रेनिंग के खिलाड़ी के हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं कर सकते। क्या लगता है बजरंग जी, जिस तरीके से धरना चल रहा है, उम्मीद है इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, कानून पे हमें पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं है कि भाई उसको लोग बचाए जाएंगे, वो बच जाएगा। कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है, चाहे वो सरकार है चाहे ब्रजभूषण है। तो हमें कानून पे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि हमें जरूर न्याय मिलेगा। पंजाब के किसान, पंजाब के सांसद, हरियाणा के सांसद विधायक समर्थन में आ रहे हैं जी। पूरे देश से लोग आए हुए हैं समर्थन के लिए, और पूरे देश में आज रोष है कि हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन दबा के आप उसको मिटा नहीं सकते। तो सच्चाई एक ना एक दिन ऊपर जरूर आएगी। तो वो जितने भी समर्थक आ रहे हैं हमारे साथ में, वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं, मैं उन सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ। चाहे वो खाप पंचायतें हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से, चाहे वो बीजेपी से है, कांग्रेस से है, आम आदमी से है, और भी कोई पार्टी है, उनसे है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि वो इस बेटियों की न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। बजरंग, लगातार बार बार हम ये देख रहे हैं कि कहा जाता है कि जो ये धरना है कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हमारी तरफ से तो यहाँ शांतिपूर्वक चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, और इसमें वही लोग बोल रहे हैं जो इसको बिगाड़ना चाहते हैं कि यहाँ से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति यहाँ तो हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि यहाँ जो लोग बोल रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, आप आ जाइए, हमें न्याय दिला दीजिए, हम उठे चले जाएंगे, हम तो आपका नाम ले जाएंगे, भाई उस आदमी ने हमें न्याय दिला दिया। हम अपने लोगों से जो हमारे समर्थन में, उनसे बात करके हम यहाँ से उठ के आराम से चले जाएंगे। दुख होता है एक देश का मेडल लाने वाले को आज जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है, वो भी इतनी गर्मी में धरने के रूप में। देखिए, दुख होता है जब देश के लिए जीतते हैं, मेडल लेके आते हैं, तब सराखों पे रखते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान है। और दुख इस बात का भी है कि गरीब लोगों के लिए और अमीर लोगों के लिए अलग अलग कानून है। या तो आप बना के दे दीजिए कि भाई अमीर लोग लड़कियों को परेशान कर सकते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट कर सकते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, तो हम उठ के चले जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या लगता है कि महिलाओं ने जिस तरीके से आरोप लगाया, दुर्भाग्य मानते हैं आप जिस तरीके से जो नार्को टेस्ट की भी बात करी आप लोगों ने? देखिए, वो न्याय की मांग कर रही है, और वो बोल रही है कि भाई हम नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट करवा लीजिए, ब्रजभूषण का भी, और जो जिन्होंने 7 कंप्लेंट दी हैं उन लड़कियों के भी, तो अपने आप ही पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो बिल्कुल, जब तक न्याय नहीं मिल जाता जब तक ये लोग बैठे रहेंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।